तो नमस्कार देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम धूम मजाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ऐसे ही गेम प्ले वीडियो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के भी हमने शुरू किए, अभी तक एक गेम प्ले मैंने बनाया है, तो ज़रूर से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी हम लैंड कर चुके हैं स्कूल अपार्टमेंट में, और यहाँ से हम जो है थोड़ी बहुत लूट करके निकल जाएंगे बंदे ढूंढने के लिए। और अभी जो है थोड़ी बहुत लूट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और मैं सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ यूट्यूब के पहले इंस्टाग्राम में, तो ज़रूर से फॉलो कीजिए। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे एक उजी मिल जाती है और थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ, और बाद में निकलते हैं हम बंदे ढूंढने। और अभी जो है मैंने थोड़ी बहुत लूट कर ली, और यहाँ पर हम गाड़ी लेने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गैराज है तो वहाँ पर हम गाड़ी लेने के लिए आए हैं। तो चलिए जल्दी से गाड़ी ले लेते हैं। तो अभी जो है मेरा टीममेट बोलता है मुझे 5 mm की एमओ चाहिए, तो मैं यहाँ पर ढूंढने के लिए आता हूँ। और किस्मत देखो भाई, यहीं पर मिल गए हमें, तो मेरे टीममेट को मैं बोलता हूँ भाई ले ले। और अभी जो है गन में भी गोलियाँ थी, तो मैं बोल रहा निकाल ले उसे चेंज करके। और गाइस अभी जो है मैं यहाँ पर गाड़ी नहीं है इस वाले गैरेज में, तो सामने वाले गैरेज में ढूंढने के लिए यहाँ से मैं देखने के लिए बाहर आता हूँ, और मुझे दिख जाता है एक बोट। तो आखिरकार मैंने बोट को मार ही दिया, और अभी जो है एक बोट से मुझे संतोष नहीं है भाई, अभी भी मुझे किल चाहिए। तो दो और बोट्स आ जाते हैं कि लो भाई मारो मुझे। तो अभी जो है मैंने फ्री के किल ले ली है, और यहां से अभी हम निकल जाते हैं, क्योंकि भाई बंदे मारने पड़ेंगे, ऐसे तो वीडियो नहीं चलेगा, आप लोग बोर हो जाओगे, वीडियो बंद करके चले जाओगे इसीलिए। और अभी जो है हम गाड़ी ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ, लेकिन गाड़ी तो हमारे सामने ही पड़ी हुई थी यूएस, तो मैं मेरे टीममेट को बोलता हूँ चल भाई फटाफट से यूएस ले ले, और निकल जाते हैं बंदे ढूंढने के लिए। तो अभी जो है हम लोगों ने यूएस ले ली है, और आ जाते हैं यहाँ पर रोजोक की पहाड़ी पर बंदे ढूंढने के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर गाड़ी खड़ी करता हूँ, वैसे एक डाशिया यहाँ से निकलती है, और वो रेड कलर की डाशिया यहाँ से निकलती है, लेकिन उसके जो बंदे हैं वो अभी भी यहीं पर है। ये भाई साहब जो है वहाँ पर ड्रॉप लूटने के लिए गए, तो उसका एक बंदा जो है उसको मैं यहाँ से एक के एम से आयरन सर से नॉकआउट कर देता हूँ, और दूसरा बंदा जो है मेरा टीममेट नॉकआउट कर देता है। और अभी बचे हैं दो बंदे, एक ड्रॉप लूटने गया है और एक ये सामने वाले घर में है, और रिवाइव कर देगा तो भाई तो हमारा कुछ भी नहीं आए भाई। उजी से स्प्रे दिया मेरे को उजी से, और अभी जो है मेरा टीममेट नॉकआउट कर देता है। तो फटाफट से हम चले जाते हैं रश करने के लिए, और एक जो बंदा था वो भी यहाँ पर लूट करके आ गया भाई, ड्रॉप लूटने गया था वो। और यहाँ पर हमें मिल जाती है हमारी सबसे प्यारी M249 द गार्ड गन। तो फटाफट से मैं M249 उठा लेता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ और हीलिंग विलिंग कर लेता हूँ। और सब कुछ करने के बाद हम निकल जाते हैं दूसरे बंदों को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर जो है हम जा रहे होते हैं जोर जोर वाले स्क्वाड हाउस पर, लेकिन मुझे दिख जाती है भाई सामने वाले ब्रिज से एक यूएस आ रही है। तो मैंने बोला भाई यहाँ से तू ले ले, दोनों बीच में भिड़ जाएंगे और लड़ाई कर लेंगे, फाइट होगी तगड़ी वाली, लेकिन हमारा प्लान जो है वो पूरा चौपट हो गया है। उन्होंने हमें देख लिया था और हमारे ऊपर वो खड़े रह गए रीच पर। देखो भाई मारा भाई, मेरे एक मेरा एक जो टीममेट है वो नॉकआउट हो गया है,
और यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर हमारा दूसरा टीममेट या हम नॉकआउट हो गए तो दिक्कत हो सकती है। और मैंने M249 निकाल ली है, सो एंजॉय दिस फाइट। तो अभी जो है यहाँ पर ऑल डेड हो जाता है और मेरे टीममेट्स जो नॉकआउट थे उसे भी हम रिवाइव कर देते हैं और सब लोग हीलिंग कर लेते हैं और लूट कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और निकल जाते हैं अभी दूसरे बंदे ढूंढने के लिए। और अभी जो है यहाँ पर स्नाइपर टावर पे बंदे थे और सामने वाले घर में भी बंदे थे, तो मेरा टीममेट बोलता है भाई मैं पहले घर में ले लेता हूँ और बाद में हम स्नाइपर टावर पे रश करेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरी स्क्वाड थी, एक बंदा तो पहले ही हम टीकी भी ले रहा था मार रहे थे, और यहाँ पर मैं M249 लेकर आया था लेकिन कुछ काम की नहीं भाई, क्योंकि एक भी किल हमें नहीं मिला। तीन बंदे थे, तीनों के तीनों मार दिए मेरे टीममेट्स ने और मुझे एक भी किल नहीं मिला। और अभी जो है सामने वाले स्नाइपर टावर में बंदे हैं, तो भाई हम बोले भाई इसमें से तो हमें किल लेने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखो भाई, ओ भाई क्या ही स्कैम है भाई, सामने वाली ब्रोकन वॉल पे एक बंदा बैठा है और हमें पता नहीं है, चार नंबर को भी पता नहीं है, लेकिन कोई नहीं उसको नॉकआउट कर दिया और मेरे टीममेट्स ने सामने वाले बंदे को नॉकआउट कर दिया। तो इसे फटाफट हम रिवाइव कर देते हैं। और अभी जो है एक बंदा यहाँ से भाई पिक ले रहा है, पट्ट से टकले के नीचे मिल गई ना, अब तो थोड़ी देर के लिए रुक मेरे को हील करने दे। और अभी जो है दूसरा बंदा जो है क्या ही कर रहा था भाई वहां पर, ये ले भाई तू भी ले। तो यहाँ पर पूरी स्क्वाड जो है वो ऑलडेड हो जाती है। दो बंदों को मैंने मारा, एक मेरे ख्याल से नॉकआउट था। तो जो भी हो मेरे को बहुत तो नहीं पता है यहाँ पर, और यहाँ से भी हम निकल जाते हैं, रिलोड कर लेते हैं, हीलिंग तो मेरा कुछ कम हुआ नहीं था। तो यहाँ से निकलते ही अभी एक बंदा ही बचा था, तो उसे ढूंढने के लिए लग गए और वो भी यहाँ पर था स्नाइपर टावर पे। और मैंने मेरे टीममेट्स को बोला था तुम कोई भी गोली मत चलाना, मुझे मार दे देना, लेकिन वो जो बंदा है वो मेरे से लड़ाई नहीं करना चाहता था, मेरे टीममेट से ही लड़ना चाहता था। अरे भाई भाग कहाँ रहा है। और यहाँ पर हमें मिल जाता है विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी सारी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।